तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि आपकी फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी, जैसे कि हम इस चीज को समझते नहीं है, आज मैं इस बारे में बात भी करूंगी कि हम इस चीज को समझते नहीं है, इसलिए बैलेंस नहीं होता हमारे अंदर। तो इसको समझने के लिए हमें क्या समझना है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल शिव और शक्ति है, हम उनके जैसा बन नहीं सकते लेकिन उनसे एग्जाम्पल लेके कुछ सीख तो सकते हैं, है ना। तो माँ पार्वती को कभी पता नहीं था कि शिव उनको लव करते भी हैं, उनको नहीं पता था लव करते हैं, लेकिन फिर भी वो कर रही थी क्योंकि उनको वो ही पर्सन चाहिए था। उन्होंने अपनी इंट्यूशन, अपनी भावना को फॉलो किया था और उसके लिए वो कुछ भी कर रही थी। लेकिन आपने एक बात नोटिस की होगी कि उनकी कहानी में बताया गया है कि उन्होंने किसी का हार्ट ब्रेक नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया, वो कोडिपेंडेंसी में नहीं थी। कि ऐसा नहीं कि शिव को पाने के लिए वो गलत रास्ते चुन रही है या किसी का भी हार्ट ब्रेक करते जा रही है, नहीं, उनके अंदर डेडिकेशन थी, पावर थी, उनके अंदर बहुत स्ट्रांग इच्छा थी कि वो बदल सकती है सब कुछ, लेकिन वो ऐसे कोडिपेंडेंसी में नहीं थी, वो डिजायर में नहीं थी कि उसकी वजह से वो कोई गलत काम कर रही है। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि उनके सामने मगरमच्छ आता है और कहता है कि आप अपनी सारी पावर, जितनी साधना करी है वो सब मुझे दे दीजिए और आप इस लड़की को बचा लीजिए, कोई लड़की को मगरमच्छ खाने जा रहा था, वो उनकी परीक्षा थी। उन्होंने उस वक्त कुछ भी नहीं सोचा, उन्होंने सोचा कि ठीक है मुझे अभी और मेहनत करनी पड़ेगी, शायद एक जन्म और लग जाए, लेकिन मैं यहाँ पे इस लड़की को बचाना मेरा अधिकार है। क्योंकि उनको लगता था कि भगवान शिव उनको तभी एक्सेप्ट करेंगे जब उनके अंदर एक डिवाइन एनर्जी आ जाएगी, जब उनके अंदर जो उनकी जो क्या बोलते हैं, जो जो हम इंसान है ना, तो हमारे इंसानों के अंदर कुछ अवगुण होते हैं जो अपने आप ही होते हैं, अपने आप ही हम स्वार्थी होते हैं, या जो इंसानी शरीर में जब हम जन्म लेते हैं तो जो हमारे बिलीफ सिस्टम है इस दुनिया को देखते हुए, माता पिता को देखते हुए, अपने आप ही आ जाते हैं। तो वो सारे उस सारे अवगुणों के साथ कभी भी वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, उनको शिव कभी माँ पार्वती को एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो डरते थे कि ऐसा करूंगा तो इनको तकलीफ ही होगी और रिश्ता खराब हो जाएगा। तो यार आपको यही बताना चाहती हूँ कि डिजायर नहीं थी, डिजायर थी भी और नहीं थी, मतलब कि मैं इंपेशेंस नहीं होती थी कि मतलब कि मैं तो कुछ भी कर दूंगी पाने के लिए या कोई भी गलत रास्ता चुन लूंगी। उनकी माता रेडी नहीं थी, तो सोचिए कि उन्होंने अपनी माँ को मनाने की कोशिश की, उन्होंने प्रयास करती गई, अच्छा किया, अपनी माता की बात सुनी और उनके लिए सब कुछ अच्छा करती गई और साथ में अपनी इनर वर्क साधना करती गई। उनको ये विश्वास था अंदर से कि ठीक है मेरी माँ कभी राजी हो जाएंगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम उनके सामने भी थी लेकिन कभी अब उन्होंने हार ये नहीं दी। कैसे हो सकता है कि डिजायर हो पर नहीं हो, डिजायर हो मतलब पर ये मैंने कितनी बार पढ़ा है, सुना हाँ, है मैं इसको बताती कितनी हूँ कि डिजायर हो नहीं होगा क्या मतलब, डिजायर हो और नहीं हो का मतलब है कि आप चाहते तो हैं कि आप वहां तक पहुंचे, लेकिन आप वहां तक पहुंचने के लिए आपके अंदर पेशेंस है, कोई गलत रास्ता चूज नहीं कर रहे हैं, या फिर आप इनपेशेंस होके डिसबैलेंस नहीं हो रहे हैं, या फिर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जिससे आप अपने आप को सफरिंग दे या फिर आप किसी और को सफरिंग दे। आपके जो डिजायर्स हैं अगर वो दूसरों को सफरिंग देना शुरू कर दें, या आपके जो डिजायर्स है वो आपको खुद पागल बनाना शुरू कर दे या निगेटिव करना शुरू कर दे, तो वो गलत डिजायर होती है। हमेशा पेशेंस होना चाहिए, भले एक जन्म दो जन्म लग जाए लेकिन गलत नहीं करना है। और जैसे गॉड कहते हैं कि डिवाइन गॉड एंजल अपने अंदर वो सारी पावर्स लेके आइए, वो सारी क्वालिटीज लेके आइए, इश्यूज को हील कीजिए, तो इश्यूज को हील करने का मतलब यही है कि अपने आप को एक डिवाइन सेल्फ में लेके आना, जहां पे हमको पूरा विश्वास हो, हमको अपने ऊपर भी पूरा विश्वास हो कि हम कर सकते हैं, और साथ में इतना विश्वास कि इतनी सारी प्रॉब्लम के होते हुए भी हम कर सकते हैं, ये सारे लोग हैं इनकी वजह से मैं चेंज नहीं होंगी लेकिन मेरे उसकी वजह से, साधना की वजह से ये सारे चेंज हो जाएंगे और ये सारे मेरे अकॉर्डिंग हो जाएंगे। ये थी माता पार्वती की शक्ति कि वो कभी भी टेंशन या प्रॉब्लम जो सामने रहती थी तो उसको परेशान होके परेशान नहीं होती थी, मतलब कि वो सोचती थी कि यस मेरी डिजायर है, मैं इस चीज को पाना चाहती हूँ और मेरे अंदर इतनी पावर है कि सारे लोग एक दिन चेंज हो जाएंगे। अपने माता के लिए भी उन्होंने यही सोचा कि मैं ऐसा करूंगी, मैं कोई अपनी मम्मी का दिल तोड़ने नहीं जा रही हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूंगी कि मेरी मम्मी भी मतलब कि वैसी हो जाएगी जैसा मैं चाहती हूँ, मतलब वो मुझे सपोर्ट करने लगेंगे। तो यही सब हम भी कर रहे हैं, हम कुछ ऐसा कर रहे हैं या पेशेंस है हमारे अंदर, हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि सारी दुनिया, सोसाइटी, आपके घर वाले, परिवार वाले, जो सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग हो जाए, है ना। हमको किसी का दिल नहीं तोड़ना है या किसी को बुरा साबित नहीं करना है या किसी को जबरदस्ती नहीं करना है, बस हमको सिचुएशन में पेशेंस रखना है और इनर वर्क साधना पे
पे अपनी इतना विश्वास करना है कि सारी सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग हो जाए। और इसके लिए क्या चाहिए? लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी आपके अंदर से आनी चाहिए, इतनी पॉजिटिविटी, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर से आना चाहिए कि आप ये चीज कर सकते हैं, है ना, आप डिजर्व करते हैं। जैसे कभी कभी अगर माता पार्वती ने सोच लिया कि मैं तो डिजर्व ही नहीं करती, मैं तो इंसान हूँ, वो तो भगवान है, मैं तो डिजर्व ही नहीं करती, तो मेहनत बेकार है, चलो छोड़ो, कौन करे, वो तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, एक जन्म मेरा बीत गया और ये जन्म कैसे एक्सेप्ट करेंगे, वो तो बिल्कुल सन्यासी है, वो तो बिल्कुल मुझे प्यार नहीं करते, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि वो मुझे लव करते हैं, कभी नहीं कहा था ना उन्होंने, उनको कभी नहीं कहा था, उन्होंने कभी शो भी नहीं किया था अपना लव, जैसे हमारे डीएम करते हैं, कभी शो नहीं करते अपना ट्रू लव, दिखाते नहीं है, और हमें अंधेरे में तीर मारना होता है साधना करके अंधेरे में हम तीर मार रहे होते हैं, चलो फिट हो रहा होगा, उनके अंदर हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, सोच सोच के हम करते जाते और यही सिखाया भी जाता है ना कि अपने ऊपर भरोसा करो, पर भरोसा करो, जो आप चाहते हैं उस चीज को आपके अंदर मैनिफेस्ट करने की ताकत है, ये हम सोचते हैं और ये चीज करते रहते हैं, तो ये करना भी चाहिए वैसे, क्योंकि देखिए देखिए फोकस अपने ऊपर अगर होगा ना तो ही आप कर सकते हैं। ऐसा जैसे कि कभी कभी क्या होता है, हम नार्सिसिस्ट या फॉल्स ट्विन के साथ रहते हैं तो भी हमें पेशेंस रखते हुए ये सोचना होता है कि ये पर्सन क्यों है। जैसे कि हम अगर सारी सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग करने की कोशिश करें तो इसमें सब कुछ सॉल्व हो जाता है। जैसे कि घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं हो कि घर वाले नहीं मान रहे शादी के लिए तो आप शादी के लिए हाँ कर दें और कहीं और शादी कर लें, नहीं, आप पेशेंस बनाए रखें और सीधा डायरेक्टली मना करें, अपनी पावर में रहें कि नहीं मैं शादी नहीं कर सकती, और अपने इना वक्त पे भरोसा करें कि एक दिन मैं इना वक्त करते करते ऐसी सिचुएशन ला लूंगी कि ये लोग मेरे ऊपर फोर्स नहीं करेंगे शादी के लिए, और ये लोग जहां भी मैं कहूंगी मान जाएंगे भविष्य में। तब तक आप रुके रहे जब तक आपको आपका राइट वन, राइट पर्सन ना मिल जाए। जरूरी नहीं है कि वही डीएम मिल जाए, डीएम पता नहीं वो आपके डीएम है भी या नहीं, गॉड बहुत ही मिस्टीरियसली काम करते हैं। मैं तो यहाँ पे सबकी स्टोरी सुन रही हूँ तो मुझे जब तक भैया ये पता चल चुका है कि कैसे फर्स्ट ट्विन आते हैं और कैसे बाद में ट्रू ट्विन मिलता है, और ये एकदम फैक्ट है। जेफिन शलिया की बुक में भी सेम चीज है कि उन्होंने भी फर्स्ट ट्विन को एक्सपीरियंस किया और बाद में उनकी रियल ट्विन मिली, वो इतना हीलिंग करने के बाद मिली, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो हमको क्या करना है, किसी भी नार्सिसिस्ट पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करना है, आपको अपनी एनर्जी इतनी पॉजिटिव रखनी है कि आपको ईश्वर ही चाहिए। जैसे शिव के अंदर क्वालिटी होती है कि वो जब हाथ थामे तो ऐसे थामे कि छोड़े ना, और जब वो लव करे तो ऐसे करें कि आपके अलावा उनको कोई और दिखाई ना दे। जब वो पर्सन आपकी केयर करे तो ऐसे केयर करे कि आपको लगे कि आप दुनिया की सबसे छोटी बच्ची हैं आप जिसकी केयर करी जा रही है, तो आप हमेशा प्रोटेक्टेड फील करें उनके साथ में, है ना। ऐसा पर्सन आपको चाहिए, और ऐसा पर्सन आपके सिर्फ ख्यालों में ही है अभी, और वो ख्याल कौन है, आपके रियल ट्विन है। जिस पर्सन को आप पाना चाहती हैं वही आपके रियल ट्विन है, वही आपके ख्यालों में है, जो रियल में पता नहीं मैनिफेस्ट आप ही को करना है, पता नहीं मैनिफेस्ट हुए हैं आप रियल के हैं साथ हैं या नहीं है वो नहीं पता है। तो आप वो रियल के साथ तभी होंगे जब आप ये सारी पॉजिटिविटी अपने अंदर ला लेंगे, और तब आपका जो डीएम है या तो वो आपकी तरह बन जाएगा जैसे आपने ख्याल में सोचा है, वो हो सकता है ऐसे हो लेकिन आपको शो नहीं कर रहे हो तो वो शो करना शुरू कर देंगे, या अगर वो रियल नहीं है, वो ऐसे अंदर क्वालिटी है ही नहीं है कहीं पे भी, तो वो चले जाएंगे और जो आपका रियल है वो आ जाएगा, और वो ऐसे ही शो करेगा जैसे ही आप चाहते हैं। और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि आपको उसके लिए फीलिंग नहीं आएगी, आप कैसे इस पर्सन को भूलेंगे, कैसे उस पर्सन को एक्सेप्ट करेंगे। जो बात करते समय मुझे पता लगता है, कहते हैं कि नहीं हो ही नहीं सकता, मैं तो किसी को कर ही नहीं सकती एक्सेप्ट, मैं इनको कैसे भूलूंगी, भूल ही नहीं सकती मैं, तो ये आपका जो भूल ही नहीं सकती ना, ईश्वर की डिक्शनरी में सब पॉसिबल है। आपको भी नहीं पता कि आप कैसे बोल रहे हैं, मतलब आप उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहे हैं जो अभी आपके डीएम के साथ आपकी हुई है, है ना, और अभी आप वो एक्सपीरियंस नहीं किया है जो एग्जैक्टली आपको मिलने वाला है, तो आपने कैसे कंपेयर कर लिया कि ना आप भूल ही नहीं पाएंगे, या आप इस पर्सन को छोड़ ही नहीं सकते, या जो आने वाला पर्सन है वो आपके लिए सही नहीं है। इसके पहले जिस रिलेशन में थे, रुक जाइए, इसके पहले जब आप जिस रिलेशन में आप थे उस वही रिलेशन आपको सब कुछ लगता था, लेकिन जब आप अपने डीएम से मिले तो आपको लगा ना कि ये डिफरेंट है,
इसी तरीके से अगर आप अपने रियल ट्विन के साथ नहीं हैं और आप फिर भी इसके साथ ऑब्सेस फील कर रहे हैं, तो जब आप अपने रियल ट्विन से मिलेंगे वो इतना अच्छा लगेगा आपको, या उसके साथ का जो लव है इतना आपको अट्रैक्ट करेगा, इतना अच्छा लगेगा, इतना रिलैक्स, इतना पॉजिटिव फील करेंगे, इतना केयरिंग, इतना लविंग फील कराएगा वो पर्सन आपको, कि आप किसी भी रिलेशन को भूल जाएंगे, किसी भी रिलेशन को उसके साथ रहते हुए। तो टेंशन तो नहीं लेना, सिर्फ मैनिफेस्ट करना है अपने ख्याल को, जो आप चाहते हैं एग्जैक्टली उसको मूर्त रूप देना है, मतलब उसको रियलिटी में आपको लेकर आना है, जो आपके अंदर ख्याल में है उसको आपको रियलिटी में बदलना है, और आपके पास पावर है। बाहर को देखते हुए मत कीजिए, मतलब बाहर जो चल रहा है, बाहर का बिलीफ सिस्टम, बाहर फैमिली क्या कह रही है, बाहर मेरे डीएम कैसे है, उस चीज को देखते हुए डिसीजन ना लीजिए, उस चीज को देखते हुए नवक ना कीजिए। अपने अंदर को देखिए, अपने अंदर देखिए कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कैसी लाइफ चाहिए, मुझे कैसा सिचुएशन चाहिए, मुझे क्या सूट कर रहा है, मुझे क्या पसंद है, उसके अकॉर्डिंग आप इनर वर्क कीजिए, उस चीज को पॉजिटिवली अफर्मेशन में चाहे करिए, चाहे आप उसको सोचिए, कैसे भी कीजिए, इनर वर्क कीजिए, पॉजिटिव रहिए, वो अपने आप ही रियलिटी में आना शुरू हो जाएगा, जो आपके अंदर है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये नेगेटिविटी से नहीं आएगा, अगर नेगेटिव अंदर आप हैं तो बाहर नेगेटिविटी ही दिखेगी, पॉजिटिव रहना पड़ेगा आपको। पॉजिटिव आप तभी रहेंगे जब आप अपने अंदर को फॉलो करेंगे, बाहर तो सब नेगेटिव ही नेगेटिव है ना, बाहर का तो जो बिलीफ सिस्टम वो सब नेगेटिव है, उसको देख के अगर करेंगे तो पॉजिटिव नहीं रह पाएंगे। हमेशा अपने अंदर को देख के आपको करना है, ठीक है।